इक्योंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भय अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नाम सदा सुखदाई हर को जाको सिमर अजामल उधरियो गन काहू गत पाए नाम सदा सुखदाई पंचाली को राजसभा में राम नाम सुधया सिमर अजामल उधरियो गन काहू गत पाए यह नर जस कृपा निध गा
जस कृपा नित गायो ताको भयो सहाय। दुख साचे नाम की लागे
ऊठे खाए चलिए है दुख उत्पूखे खाए चलिए है दुख आखा जीवाना विसरे मर जाए आखन आखा साचाना से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक सारे बोलिए धन गुरु नानक मेरे गुरु नानक पातशाह मेरे धन गुरु नानक पातशाह का उच्चारण किया हुआ यह शब्द बहुत ही गहरी शिक्षा देता है बहुत ही गहरी क्योंकि हमारी तुच्छ बुद्धि है हम ऊपर के अर्थ करते हैं शब्दों के अर्थ पर गुरु नानक पातशाह जिस भाव की बात कर रहे हैं वो इतने गहरे हैं कि उनकी मेहर से ही ये शब्द समझ में आ सकता है प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक और ये शब्द की पंक्तियां मन को हिला देने वाली है हम तो ये पढ़ रहे हैं ना कि आखा जीवा विसरे मर जाओ ये एक अवस्था का नाम है जो महापुरुषों को प्राप्त होती है प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कमाल की अवस्था है ये और जब इसके भावार्थ विचारेंगे गुरु नानक पातशाह की मेहर से तो मुझे यकीन है गुरु नानक पातशाह की वाणी पर गुरु नानक पातशाह पर कि ये शब्द हर एक के मन को हिलाएगा जरूर प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक आओ पहले थोड़े से इसके ऊपरी अर्थ समझते हैं और फिर आगे चलकर इसके गहरे अर्थ समझने का प्रयत्न करेंगे क्योंकि हर प्रकार की संगत होती है स्कूल में क्लास अलग अलग होती है अलग अलग टीचर होते हैं फर्स्ट की क्लास सेकंड की क्लास पर एक गुरु नानक का स्कूल ऐसा है जहाँ पर यहाँ पर केजी वाला नर्सरी वाला पहली वाला भी बैठा है और एमए वाला भी बैठा है प्यार से बोलिए धन गुरु नानक तो दास का प्रयत्न होता है कोशिश होती है कि अर्थ थोड़े ऊपरी तल के भी हो जाए और गुरु नानक की उम्र से थोड़े गहरे तल के भी हो जाए जितनी तुच्छ बुद्धि दास को गुरु नानक ने बख्शी है प्यार से बोलिए धन गुरु नानक आखा जीवा विसरे मर जाऊं गुरु नानक पातशाह कहते हैं यहाँ पर ये जो बात कह रहे हैं गुरु नानक पातशाह ये शारीरिक तल की नहीं है
ये आत्मिक तल की बात है कि हे वाहेगुरु, हे निरंकार, हे परमात्मा, हे एक ओंकार, जब मैं तुझे याद करता हूँ, तेरा सिमरन करता हूँ, तेरा नाम लेता हूँ, तो मेरी आत्मा जी उठती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरी आत्मा खिल जाती है, चाव में आ जाती है, प्रसन्न हो जाती है। और जब मैं तुझे भूल जाता हूँ, मेरी आत्मिक मृत्यु हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आत्मिक मृत्यु जो लगभग हम सब की हो चुकी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास ने पहले भी ये बात कही है कि महापुरुष वचन करते थे, हम जिसे आत्महत्या कहते हैं वो तो शरीर की हत्या है, आत्महत्या तो उसे कहते हैं नाम ना जपे से आत्मघाती। जो नाम नहीं जपते, जो उसे याद नहीं करते, अपनी आत्मा का घात वो करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही बात गुरु नानक पाशा अपने शब्द में समझा रहे हैं कि आखां जीवां विसरै मर जाऊं, कि हे निरंकार, जब मैं तेरा नाम जपता हूँ, जब तू मुझे याद आता है तो मेरी आत्मा जी उठती है, जब तू मुझे भूल जाता है। गुरु नानक को कहाँ भूलना, वो तो हमें समझाने के लिए ये शब्द उच्चारण कर रहे हैं कि जब मैं तुझे भूल जाता हूँ, मेरी आत्मिक मृत्यु हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कमाल की बात गुरु नानक पाशा कहते हैं, इसके आगे की जो पंक्तियां वो कमाल की है, साचे नाम की लागे पूख, आखा जीवा विसरे मर जाओ, आखण औखा साचा ना हो। ये पंक्ति याद रखना, आखण औखा साचा ना हो, इसको हम बाद में लेंगे क्योंकि इसकी बात ही अलग है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साचे नाम की लागे पूख, उत पूख है खाए चलिए दुख। ये कमाल का पहलू है साथी बच्चे, क्योंकि इस शब्द की एक एक पंक्ति एक एक प्रकरण है। यहाँ पर दास एक बार याद दिला दे, आज चालीस का पहला दिन है, श्री गुरु नानक पाशा के अवतार पूर्व का चालीस का पहला दिन, अवतार पूर्व चालीस 2021 का पहला दिन। हमारा प्रकरण वही है, पिछले साल दास ने गुरु नानक पाशा की मेयर से मूल मंत्र के अर्थ किए थे, हमने शुरू किए थे अर्थ करने श्री जपजी साहब जी के, पर 40 दिनों में गुरु नानक पाशा की मेयर से केवल मूल मंत्र के ही समाप्ति कर पाए थे अर्थों के। अब आगे का प्रकरण शुरू होगा, क्योंकि संगत बहुत सारी संगत का ये सवाल था, बहुत सारी संगत की ये हुक्म था कि श्री जपजी साहब जी के अर्थों को आगे बढ़ाया जाए, तो गुरु नानक की मेयर से दास कोशिश कर रहा है आगे बढ़ाने की। हमारा जो प्रकरण है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद, जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक हो सी भी सच सोचे सोच न हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जे सोची लखवार सोचे सोच न हो गई, जे सोची लखवार, ये हमारा प्रकरण होगा। पर आज क्योंकि पहला दिन है, दास का मन किया कि पहले दिन हम नाम की विशेषता को समझ लें फिर से एक बार, कि चालिया जो आया है गुरु नानक की मेयर से, जो गुरु नानक पाशा हम सबसे सेवा ले रहे हैं, इसमें करना क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि गुरु नानक पाशा के अवतार पूर्व के बाबा नंद सिंह जी के वचन है कि विशेष कृपा होती है विशेष। इस चालिए में जो जाग जाता है, जोली भर कर ले जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस मन को समझाना पड़ेगा जागने के लिए, क्योंकि हमारा मन लालची है, इससे अमृत वेले उठा नहीं जाता। और अगर इसे कहा जाए कि सुबह 3 बजे 5 लाख 10 लाख आके ले ले, ये रात भर सोएगा नहीं, क्योंकि इसे पैसे की वैल्यू का पता है,
कि अगर आंख लग गई तो मेरे हाथ से 5 लाख का नुकसान हो जाएगा या 10 लाख का नुकसान हो जाएगा, या कोई भी फिगर हो, कोई 5,000 भी कह दे तो भी हम रात को ना सोए के लेकर सोऊंगा। यार से बोलिए धन गुरु नानक। विचार कीजिए, यहाँ पर समझने की बात यह है कि हमारा मन लालची है, इसे लालच दो तो सब कुछ करने को तैयार है। इस लालची मन को समझाना है कि नाम की ताकत क्या है। यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम क्या कर सकता है, नाम की ताकत क्या है, अगर मन ये समझ गया तो गुरु मेहर करे वो लोग भी इस चाले में उठ जाएं जो कभी ना उठे हो, और वो उनका भी जीवन स्वर्ग बन जाए। यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो भी गुरु नानक पातशाह के चरणों से जुड़ जाए। दास का तो हमेशा से कहना है कि जो जिस धर्म में है उस धर्म में उठकर अपना नाम जपे, बस अमृत वेले उठे, क्योंकि धर्म तो नाम है एक, बस जुड़ना तो उस निरंकार से, एक ओंकार से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धर्म तो रास्ता है, सबके रास्ते सबको मुबारक, सबके रास्ते पवित्र, सबके रास्ते महान, पर अपने रास्ते पर चलो तो सही, अमृत वेले उठ के नाम जपो तो सही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हिंदू धर्म में इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, मुसलमान धर्म में पहली अजान इस वक्त होती है, और सिखों में इसे अमृत वेला कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आइए मन को आज समझाएं जो गुरु नानक पातशाह समझाना चाहते हैं। आइए दो पंक्तियां पढ़ें, फिर आगे विचार करते हैं। आखा जीवा विसरे मर जा, आखण आखा साचा ना, सिरे मर जा, अखण आखा साचा ना, बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। साचे नाम की लागे भूख, उत भूख है खाए चली है दुख, मेरे गुरु नानक पाशा फरमा रहे हैं कि अगर गुरु की मेहर से नाम की भूख जाग जाए, नाम की भूख, तो चमत्कार हो जाता है। घर से बोलिए धन गुरु नानक। सारा संसार दो चीजों के पीछे भागता है, एक सुख चाहिए, दूसरा दुखों से छुटकारा चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर आदमी चाहता है मुझे सारे सुख मिले, दुख कोई ना मिले, दुख दूर हो जाए सुख आ जाए। गुरु नानक पातशाह इसका तरीका बता रहे हैं, ये तरीका है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साचे नाम की लागे भूख, अगर तुझ पर गुरु प्रसाद वर्त गया, तुझे नाम की भूख लगनी शुरू हो जाए, जिस प्रकार भोजन के बिना तू परेशान हो जाता है, नाम जपे बिना जिस दिन तू परेशान होने लगा, जिस दिन तेरा नित्यनेम छूटे, तेरी भूख मर जाए, तेरी ये अवस्था हो जाए, चैन ना आए ये अवस्था हो जाए, तो गुरु नानक पातशाह कहते हैं उस दिन के बाद तेरे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस बात को गहराई से समझना होगा।
साचे नाम की लागे भूख उत भूख है, अगर ये भूख जाग गई खाए चलिए दुख, ये भूख तेरे सारे दुखों को खा जाएगी। कौन सी भूख? नाम की भूख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर ये भूख जाग गई, ये भूख मैंने महापुरुषों में देखी है, गुरु नानक की मैस। 5 मिनट अमृत वाले लेट उठ गए, आंसू नहीं रुक रहे, पूरा दिन उदास बैठे हैं, 5 मिनट देरी से आंख खुली, इस 5 मिनट का लेखा कौन देगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के समय, बाबा नंद सिंह जी के समय नानक सर की ये मर्यादा थी, अमृत वेले कोई 5 मिनट लेट आ जाए उसे पूरी देर, जितनी देर दीवान चलता है 3-4 घंटे खड़े रखते थे बाहर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना बैठने देना है ना जाने देना है, सजा है कि लेट क्यों आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई लोग कहेंगे ये क्या बात है, पर असल में ये प्रेम की बात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम इस बात को इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि हमारे भीतर अभी प्रेम जागा ही नहीं। जिस दिन प्रेम जाग गया तब जाकर ये बात समझ में आएगी जो दास कह रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साचे नाम की लागे भूख उत भूख है, खाए चलिए दुख। नाम की भूख, नाम की भूख तेरे सारे दुखों को खा जाएगी। क्यों, कैसे? अब इसे समझना होगा, बड़े ध्यान से समझना। एक सच्ची घटना दास सुनाता है, सच्ची घटना। एक साहूकार है, उसी घर में पुत्र जन्म नहीं ले रहा, कोई औलाद नहीं है, पैसा बहुत है, धन अनगिनत है, पर कंजूस है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों के पास जाता है, ये सच्ची घटना है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं। साहूकार जिसके पास अनगिनत धन है, पता नहीं कितनी दौलत है, पर औलाद नहीं, महापुरुषों के पास आता है और हमेशा बेनती करता है कि मेरा उधार कैसे होगा, मेरा उधार कैसे होगा, मेरे धन का क्या होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष कहते हैं तो धन का उधार करना चाहता है, हम यहाँ पर वृद्ध आश्रम बना रहे हैं, अनाथालय बना रहे हैं, इतना कुछ बना रहे हैं, तो अपना धन वहां लगा दे, तेरे धन का उधार हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब वो बात सुनता है घबरा जाता है कि ये महापुरुष तो पैसे मांगने लग गए, बहुत सारा धन ले लेंगे मेरा यहाँ लगाने के लिए। तो जब भी वो ये बात करता है, महापुरुष ये बात करते हैं, वो हमेशा 11 रुपए देकर वहां से चला जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लिफाफे में 11 रुपए डालता है अरबपति। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष मुस्कुरा के चुप कर जाते हैं, कुछ नहीं कहते। बार बार आता है, देखता है कि अनाथ आश्रम बन रहा है, महापुरुष बनवा रहे हैं, सेवाएं चालू है, वृद्ध आश्रम बन रहा है, पर कोई सेवा नहीं करता क्योंकि कंजूस है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक दिन महापुरुषों से कहता है, अगर मेरे घर औलाद ने जन्म ले लिया तो मैं अनाथ आश्रम बनवा दूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप मुझ पर कृपा करो, मेरे घर में औलाद हो जाए, मेरी जायदाद संभालने वाला कोई आ जाए, ये अनाथ आश्रम ये वृद्ध आश्रम सारे मैं खुद बनवा दूंगा, सारा धन मैं लगा दूंगा। महापुरुष कहने लगे, तेरी सोच नेक है, सोच तेरी अच्छी है, गुरु मेहर करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों के दिल से नेक सोच सुनकर आशीष निकल गई और उसके घर बेटे ने जन्म लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। औलाद ने जन्म ले लिया,
औलाद का नाम रखने महापुरुषों के पास ही आया। महापुरुषों ने नाम रखा और याद दिलाया, भाई तूने कहा था मेरे घर में औलाद जन्म ले ले तो मैं वृद्ध आश्रम अनाथ आश्रम बना दूंगा। वो कहने का हाँ बनवा दूंगा महापुरुष, मुझे याद है, और ये कहकर वहां से चला गया। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। दूसरी बार फिर आया थोड़ा बड़ा हुआ तो कोई रस्म अदा करने के लिए। महापुरुषों ने फिर से याद दिलाया, कहने की ये तेरी औलाद तेरा उद्धार करेगी, तूने कहा था मेरा उद्धार करे, तेरे घर में औलाद भी वो भेजी है निरंकार ने जो तेरा उद्धार करेगी, तेरे उद्धार का कारण बनेगी, तेरे धन के उद्धार का कारण बनेगी। बनवा दे अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम जो तूने कहा था। ये कंजूस मन में सोचता है कहां फंस गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पंक्तियां याद रखना, साचे नाम की लागे भूख, उत भूख है खाए चलिए दुख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समा बीतता गया, समा बीतता गया, इसी ने ना अनाथ आश्रम बनवाया ना वृद्ध आश्रम। कंजूस था, अपनी बात से मुकर गया। बेटा बड़ा हो गया, शादी की उम्र हो गई उसकी। अब नदी में नाव में बैठकर लड़की को देखने जा रहे हैं दूसरे गांव में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नेत निरंकार की नाव पलटी, पिता भी साथ में है, पुत्र भी साथ में है, सारे घर वाले साथ में, नाव पलटी, बेटा डूब गया, बाकी सब बच गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बेटी की मृत्यु हो गई। इस साहूकार इसे सदमा बर्दाश्त ना हुआ, डिप्रेशन में चला गया। कई हफ्तों तक कमरे से बाहर ना निकला, रोता बिलखता रहा। जब समय के साथ थोड़ा संभला तो महापुरुषों के पास आया। कहने का महापुरुषों आप कहते थे कि अनाथ आश्रम बनवा दो, वृद्ध आश्रम बना दो, मैंने नहीं बनवाया, मेरी जायदाद संभालने वाला भी कोई नहीं रहा, इस धन का मैं क्या करूंगा, मैं सारा धन लगा देता हूँ, बड़ा सा अनाथ आश्रम बनाइए, बड़ा सारा वृद्ध आश्रम बनाइए, जितना बड़ा चाहे बनाइए, जितने चाहिए बनाइए। और उसने वो किया, बहुत सारे अनाथ आश्रम बनवा दिया अलग अलग गांव में, जैसे जैसे महापुरुषों ने कहा बहुत सारे वृद्ध आश्रम बना दिए, सेवा में लग गया सब कुछ छोड़कर। एक दिन महापुरुषों के पास बैठा था, कहने लगा महापुरुषों आपने कहा था कि मेरा पुत्र मेरा बेटा मेरे उद्धार का कारण बनेगा, मेरे धन के उद्धार का कारण बनेगा, पर वो तो मर गया, कहां किया उसने मेरा उद्धार, आपकी बात ये तो झूठी निकली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष कहने लगे नहीं भाई तू समझा नहीं, तेरा उद्धार तेरे बेटे ने ही किया है, ये बात अलग है, उसके जीवन ने तेरा उद्धार नहीं किया, उसकी मौत ने तेरा उद्धार किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। तेरे बेटे ने ही तेरा उद्धार किया है, वही उद्धार का कारण बनाए, पर उसका जीवन तेरे काम ना आया, उसकी मृत्यु तेरे काम आ गई। जो अनाथ आश्रम जो वृद्ध आश्रम तूने उसके जीते जी नहीं बनाया, उसके मरने के बाद बना दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरे उद्धार का कारण तेरा पुत्र ही है, तुझसे इतने सारे नेक काम करवा गई उसकी मौत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर अगर यही तूने जीते जी किया होता, उसके जीते जी, तो उसका जीवन तेरे आधार का कारण बनता, उसका जीवन तेरे उद्धार का कारण बनता, पर तूने क्यों सुख में दुखियों की चिंता नहीं की। बड़े ध्यान से समझना, जब हम सुखी होते हैं दूसरे के दुख की चिंता नहीं करते, उन पर ध्यान नहीं देते, तो फिर दुख भोगना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष इस बात को बड़ी गहराई से समझाया करते थे, इस साहूकार का दुख इसके काम आया, इसका उधार किया किसने, बेटे की मृत्यु ने, दुख ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो दुख गुरु के चरणों से जोड़ दे वही दुख उधार है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वही कारण है हमारे उधार का। हमारे जीवन में जो दुख
हमसे सेवा करवा ले, जो दुख हमें नाम से जोड़ दे वो दुख नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असल में तो आज तक हम इस दुख को और सुख को पहचान ही नहीं पाए, हम असली एड्रेस ही नहीं समझ पाए। हम जिसे सुख समझते हैं असल में वो दुख है, वाणी कहती है, मैं नहीं कह रहा। और जिसे हम दुख समझते हैं असल में वो सुख है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर सुख के समय में कोई नाम जपे, सुख के समय में दूसरों के दुखों को विचार करे, श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, सुखी इंसान का फर्ज है कि दूसरे के दुखों पर विचार करे कि उनका दुख दूर कैसे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी कहते हैं, ऐसे इंसान के आगे मेरा सर झुकता है जो अपने सुख में होते हुए भी दूसरों के दुख की चिंता करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सिख बनाए ही इसलिए थे, इसलिए बनाए जो दूसरों के दुखों की चिंता करे अपने नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और आज हमारी हालत यह है, अपने दुखों से ही नहीं छूट पा रहे। उसकी वजह क्या है? ना नित नेम, ना अमृत वेला, ना अमृत वाणी, ना अमृत छकना, कुछ भी नहीं हमारे पास। और हमारी अवस्था ये, खुद ही दुखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साचे नाम की लागे भूख उत भूख, खै खाए चलिए दुख। जिस दिन नाम की भूख लग गई, अब नाम की दुख भूख बिना ठोकर के नहीं लगती। सारे संसार को देख लो, सारे भक्तों के जीवन को देख लो, सारे महापुरुषों को देख लो, बिना ठोकर के। कोई विरला ही है जो पिछले जन्मों की कमाई से ऐसे आ रहा हो, वरना हर एक को ठोकर लगती है तो नाम से जुड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब वो ठोकर दुख नहीं है, वो ठोकर असल में सुख है, क्योंकि वो ठोकर नाम की भूख पैदा कर देगी और वो नाम की भूख हमारे सारे दुखों को खा जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुषों के पास किसी ने आके सवाल किया, सुख कैसे मिले? यहां से बोलिए धन गुरु नानक। उत पुख है खाए चलिए दुख। महापुरुषों से किसी ने सवाल किया कि सुख कैसे मिले, तो महापुरुषों ने यहां पर रमस खोली। इस रमस को जिसने समझ लिया उसका जीवन सेवा का रूप हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष कहने लगे, निरंकार ने ना सुख को एक जगह पर छिपा कर रखा है, उसका एड्रेस तो सबको पता है, हर किसी को पता है, पर वहां तक पहुंचता कोई नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने का, क्या एड्रेस है सुख का? महापुरुष कहने लगे, निरंकार ने सुख को, हर एक के सुख को दूसरे के सुख में छिपा कर रखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात थोड़ी गहरी है, ध्यान से समझना। किसी दुखी आदमी की मदद करके देखो, किसी रोगी का रोग दूर करने में मदद करके देखो, किसी टूटे हुए को नाम से जोड़ कर देखो,
किसी भटके हुए को सही रास्ता दिखा कर देखो, मन को जो सुख मिलेगा, किसी भूखे को खिला कर देखो, मन को जो शांति मिलेगी वो करोड़ों दान करके भी नहीं मिल सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पैसा दान करना एक अलग विषय है, खुद इन्वॉल्व होना, अपने हाथ से जाकर करना, ये अलग विषय है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत पूरन सिंह जी जो पिंगलवाड़ा चलाया जिन्होंने, सुख का एड्रेस उनसे पूछो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई रणधीर सिंह जी अखंड कीर्तनी जत्थे के प्रधान, सुख का एड्रेस उनसे पूछो। बाबा नंद सिंह जी, बाबा मार नाम सिंह जी, जितने महापुरुष हैं, सारा जीवन क्या किया है? संगत को नाम से जोड़ने में, दुनिया को नाम जपाने में लगा दिया सारा जीवन, क्या है ये? इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास ने कई बार ये बात कही है, गुरु नानक के मेहर से नानक रोटी चलती है। कई शहरों में गाड़ियां चलती हैं नानक रोटी की, जिनके पास गाड़ियां ली हुई हैं वो गाड़ियों में करते हैं, जिनके पास गाड़ियां नहीं वो वैन में, कारों में, अलग अलग गाड़ियों में ले जाकर संगत को, गरीबों को गर्म भोजन खिलाते हैं, जहाँ जरूरतमंद है। बरसात का मौसम में झोपड़ियाँ ऐसी हैं जहाँ पर लाइट नहीं है, एक दिन जाकर खिला के आएंगे ना, एक दिन जब रात को भोजन खाने बैठेंगे ना, लाख शुक्राना करेंगे गुरु नानक का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसा सुख पाएंगे ना दूसरे को खिलाकर, ये छोटी सी बात दास कह रहा है। कभी सेवा करने ही साथ में चले जाया करो किसी गाड़ी में, बांट कर देखो कितना सुकून मिलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों ने वचन किए, हर इंसान का सुख दूसरे को सुख देने में छिपा है, और हम करते क्या हैं, दूसरों को दुख देने में खुश होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी हालत है कि दूसरों को दुखी करके खुश होना, और यहाँ पर बात चल रही है दूसरों को सुख देकर सुख पाने की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बड़ा प्यारा उदाहरण है, एक क्लास में, दास ने शायद पहले भी ये बात एक बार बताई, एक क्लास में 100 बच्चे हैं मान। उन बच्चों से कहा गया कि अपने नोटबुक में से एक पेज फाड़ो, उस पर अपना नाम लिखो और उसे फोल्ड कर दो, चिट बना दो उसकी। हर लड़के ने अपना अपना नाम लिखा, उसकी चिट बना दी गई, और उन सबको इकट्ठा करके मिक्स कर दिया गया, मिक्स करके फैला दिया गया क्लास में, और कहा कि अपने अपने नाम की चिट्ठी ढूंढो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब हर लड़का चिट्ठी उठा रहा है, उसके नाम की नहीं फेंक रहा है, उसके नाम की नहीं फेंक रहा है। 2 घंटे हो गए, कुछ लड़कों को, केवल कुछ लड़कों को अपने नाम की चिट्ठी हाथ में मिली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रोफेसर ने रोक दिया, रुक जाओ। अब कहने लगे, काम करो, 2 घंटे हो गए अपने नाम की चिट्ठी नहीं ढूंढ पाए आप लोग, अब एक काम करो, जिसको जिसके नाम की चिट्ठी मिलती जाए वो उसे पकड़ाता जाए, देखो कितना समय लगता है। केवल 2 से 3 मिनट लगे साथ संगत जी। जिस लड़के के हाथ में जो चिट्ठी आई, दूसरे लड़के को बुला के दे दी, ये तेरी है। सब ने एक दूसरे को दे दी, 2-3 मिनट में सबकी नाम की चिट्ठी उनके हाथ में आ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इसका क्या मतलब निकलता है, क्या भाव है इसका? जब तक हम अपना सुख ढूंढते बैठेंगे, अपना पर्सनल सुख, पर्सनल सुख की खोज में भटकते रहेंगे, थक जाएंगे, वो सुख हाथ में नहीं आएगा। पर जिस दिन दूसरे की सुख की चिंता हो जाएगी कि उसका सुख मुझे मिल जाए, तेरा सुख अपने आप चलकर तेरे पास आ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। साचे नाम की लागे भूख, ये तो दास ऊपरे तल की बातें कर रहा है, पर गुरु नानक पाशा इतना गहरा तल समझा रहे हैं कि जिस दिन नाम की भूख जाग जाएगी, और उसके जागने का कारण चाहे कोई भी हो, कोई भी, चाहे वो कोई दुख हो, चाहे कोई वो सुख हो, जिस कारण से तेरे भीतर नाम की भूख जागी, वो कारण तेरे उद्धार का कारण है, वो दुख नहीं है, वो तेरा उद्धार करने का कारण है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि नाम की भूख बाकी सारे दुखों को खा जाती है। मैं नहीं कह रहा, गुरु नानक पाशा कह रहे हैं। साचे नाम की लागे भूख, उत भूख है खाए चलिए दुख।
पोत पूखे खाए चलिए है दुख आखा जीवां विसरे मर जाओ आखण आखा साचा नाम आखा विसरे मर जाओ साचा नाम आखा जीवां विसरे मर जाए आखण आखा साचा नाम वाहे गुरु से बोलिए धन गुरनानी आखा जीवा विसरे मर जा आखण औखा साचा नाम गुरु नानक पाशा कहते मैं हैरान जिस नाम ने सारे दुखों को मिटाना है जिस नाम ने सारे कला कलेश खत्म करने जिस नाम ने दुनिया के सारे सुख और दुनिया के बाद के भी सारे सुख देने वो जपना इस मन को मुश्किल लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पता है कि नाम सुखों की सुखों का दाता है पार जात है कामधेन है फिर भी नहीं जपा जाता आखण औखा साचा नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये सच है बाबा नंद सिंह जी के वचन कि किसी को नाम जपने को कहो तो उसकी माँ मर जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितने कड़े लफ्ज कहे कि भाव इतना मुश्किल लगता है नाम जपना कि नाम जपने को कहो तो चेहरा उतर जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये दास ने तो जाती तजर्बा किया है लोग अंधे होने को तैयार है रोगों से पीड़ित होने को तैयार है पर नाम जपने को तैयार नहीं कि मुश्किल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सच कह रहे दास और बाणी तो कह ही रही है तो गलत कैसे हो सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आखण औखा साचा नाम के कई पहलू हैं। दास अभी ऊपरी तल की बात कर रहे हैं। भगत बेनी जी अपने घर में बैठे हैं बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है क्या देखा घर के बाहर दरवाजे के बाहर तो थोड़ी छत होती है वहां पर कुछ मजदूर खड़े हैं बारिश से बचने के लिए वहां खड़े बारिश बंद नहीं हो रही आधा दिन बीत गया तो मजदूरों की आंखों में आंसू आ गए। यहां से बोलिए धन गुरु नानक। आज दिहाड़ी नहीं होगी आपस में बातें कर रहे हैं आज दिहाड़ी नहीं होगी बच्चों को क्या खिलाएंगे खुद क्या खाएंगे हम रोज कमाते हैं रोज खाते हैं
उदास हो रहे हैं, भगत बेनी जी से रहा नहीं गया, भगत हैं, नरम दिल हैं, कहने लगे आज की दिहाड़ी मैं दे दूंगा, पर मजदूरी करोगे जो मैं कहूंगा। मजदूर खुश हो गए, कहने लगे क्या मजदूरी है बताओ, कौन से पत्थर तोड़ने हैं, क्या करने हैं, जो कहोगे करेंगे। वो कहने लगे नहीं, मेहनत का काम ही नहीं है, ना आपको पत्थर तोड़ने हैं, ना कोई सामान उठाना है, ना ही मिट्टी में हाथ गंदे करने हैं। कहने लगे काम जो मैं कहूं, दिहाड़ी जो पूरी ले लेना, आधा दिन बीत गया वो भी नहीं, पूरी दिहाड़ी जो बनती है वो ले लेना, आधा दिन बचा है बैठ जाओ अंदर आकर। सबके हाथ में एक एक माला दे दी, प्यार से बोलिया धन गुरु नानक। कहने लगे टिक कर बैठ जाओ, बस नाम जपना है, राम राम करते जाओ बस। मजदूर बड़े खुश हो गए कि ये क्या बात हुई, ना कोई मेहनत, ना कोई सामान उठाना, कुछ भी नहीं, ना पत्थर तोड़ने, केवल बैठकर माला फेरनी है। प्यार से बोलिया धन गुरु नानक। महापुरुष वचन किया करते थे, कहते थे दुनिया को पता क्या लगता है कि जितने भी वेले लोग होते हैं ना वही नाम जपते हैं। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। आज की जो सोसाइटी है वो यही सोचती है कि ये वेलों का काम है, जिनको कोई काम नहीं ना वही बैठ के नाम जपते हैं। जो खाली है, जिनका दिमाग नहीं। पर सबसे मुश्किल काम है दुनिया का, वाणी कह रही है कि मन जोड़कर नाम जपना। यहाँ तो मन जोड़ने की बात भी नहीं हो रही, यहाँ पर तो बोलने की बात हो रही है, जपने की केवल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मजदूर बड़े प्रसन्न हो गए कि ये तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत खुश हो गए, बैठ गए माला लेकर कि जपेंगे राम राम आधा दिन। अब बैठ गए माला लेकर प्रसन्न होकर के कुछ भी नहीं करना है। 5 मिनट बीते, 10 मिनट बीते, एक दूसरे को देखते हैं, दूसरा तीसरे को, कभी उठते हैं कभी बैठते हैं, कभी टिक कर बैठे ही नहीं, मन भाग रहा है, अब राम राम कर रहे हैं। इतिहास में लिखा है कि 20 मिनट हुए, 20 मिनट, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 20 मिनट के बाद खड़े हो गए, माला देकर कहने लगे बेनी जी आप हमसे पत्थर तोड़वा लो, वजन उठवा लो, ये काम हमसे नहीं हो सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सच्ची बात है, ये सच्ची बात मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, वाणी कह रही है, गुरु नानक पाशा कह रहे हैं, आखण औखा साचा नाव। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। टिक कर बैठ कर नाम जपना, जिसे ये आनंद आ गया समझ लो गुरु की अपार कृपा, इसके बाद गुरु से कुछ मांगना पाप है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसका मन टिक जाए नाम में, जिसे आनंद आने लगे, जिसे भूख लगने लग जाए नाम की, इससे अनमोल दात नहीं है कोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो गुरु प्रसाद वर्ताना चाहता है तभी ये भूख लगाई है, भूख की शुरुआत हो गई है। साचे नाम की लागे भूख, उत भूख है खाए चलिए दुख, आखा जीवा विसरे मर जाओ, पर क्या करें आखण औखा साचा नाव। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। शाम दिन रात मैया जी शुक्र करा, मैया जी शुक्र करा, सरकारा दी सरकार मैया जी शुक्र करा, मैया जी शुक्र करा। मेरे सिर पे रख दे हाथ मैया जी शुक्र करा, तेरे अपने बंदिया नाल मैया जी शुक्र करा, मैया जी शुक्र करा। मेरी सुन ले तू अरदास मैया जी शुक्र करा, मैया जी शुक्र करा। मेरी रूह बिच तेरा वास मैया जी शुक्र करा, मैया जी शुक्र करा।
सर करा। जय जय शेरा वाली माँ, जय जय जोता वाली माँ, जय जय लाटा वाली माँ, जय जय मेहरा वाली माँ। बदले से हालात मैया जी शुक्र करा, मैया जी शुक्र करा। सारे कावण मेरे नाल मैया जी शुक्र करा, मैया जी शुक्र करा। कोई तार जुड़ी तेरे नाल मैया जी शुक्र करा, मैया जी शुक्र करा। का हकदार मैया जी शुक्र करा, तू सबनू देवण हार मैया जी शुक्र करा, मैया जी शुक्र करा। जय जय शेरा वाली माँ, जय जय जोता वाली माँ, जय जय लाटा वाली माँ, जय जय मेहरा वाली माँ। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। Oh.
शिव जी सदा Oh, my God.
शिव जानत